हेलो एवरीवन, आज है 23 जुलाई 2021 और आज हम फिर से रेडी हैं अपनी करंट अफेयर्स के एक वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और साथ ही डिस्कस करेंगे इनसे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपके नॉलेज को इनहेंस करेंगी और आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के साथ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट अपॉइंटेड एज हेड ऑफ पाइन लैब्स? पाइन लैब्स का हेड किसे अपॉइंट किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रंगा प्रसाद रंगाराजन। ये है रंगा प्रसाद रंगाराजन, जिन्हें अपॉइंट किया गया एज अ हेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड S-500 मिसाइल सिस्टम? वो कौन सी कंट्री है जिसने S-500 मिसाइल सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रशिया। S-500 एक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसका ट्रेनिंग रेंज साउथ में है, और ये एक ऐसी मिसाइल सिस्टम है जिसे स्पेस से भी फायर करें तो ये अपने टारगेट तक पहुंच जाएगी। अब क्वेश्चन में आया है रशिया, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है रशिया का मैप। इसके पीएम है मिखाइल मिशुस्टिन, इसके प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्टेट सेटअप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्रोसेसिंग यूनिट? वो इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसने हाल ही में हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्रोसेसिंग यूनिट को एस्टेब्लिश किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका। कर्नाटका के रामनगर डिस्ट्रिक्ट में से सेटअप किया गया, और इसकी एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है 500 करोड़, और इसे टोटल 40 एकड़ लैंड में अप्लाई किया जाएगा। अब क्वेश्चन में आया है कर्नाटका, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है इंडिया का मैप, और ये है साउथ में कर्नाटका। इसकी कैपिटल है बेंगलोर, इसके CM है YS येदियुरप्पा, और गवर्नर है थवरचंद गहलोत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हु बिकेम CEO ऑफ कोलियर्स? कोलियर्स जो एक रियल एस्टेट एडवाइजरी एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, इसके CEO किसे अपॉइंट किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रमेश नायर। ये है रमेश नायर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, हु बिकेम मिस इंडिया USA? हाल ही में मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वैदेही डोंगरे। वैदेही डोंगरे जो मिशिगन से बिलोंग करती हैं, उन्होंने ये अवार्ड जीता। ये है वैदेही डोंगरे। इन्होंने एक और अवार्ड जीता, मिस टैलेंटेड अवार्ड। इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने उस कंटेस्ट में इंडियन क्लासिकल डांस को परफॉर्म किया। तो फिर अर्शी ललानी जो कि जॉर्जिया से बिलोंग करती हैं, वो फर्स्ट रनर अप रहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू सेटअप पंचायत सेक्रेटेरिएट? वो इंडिया का कौन सा स्टेट है जो अपने स्टेट में पंचायत सेक्रेटेरिएट को एस्टेब्लिश करने वाली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, UP। अप्लाई करने का एम है टू स्ट्रेंथन रूरल डेमोक्रेसी एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू रूरल यूथ। अब क्वेश्चन में आया है UP, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है इंडिया का मैप, और ये है UP। इसकी कैपिटल है लखनऊ, इसके CM है योगी आदित्यनाथ, और इसके गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, सिकिल आर भास्करन पास्ड अवे, हु वॉज ही? हाल ही में सिकिल आर भास्करन की डेथ हो गई, वो कौन थे? तो वो एक वायलिनिस्ट थे, ऑप्शन सी। ये है सिकिल आर भास्करन। ये ग्रेड ए आर्टिस्ट भी है ऑल इंडिया रेडियो के, और ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर एट, तुलु विल बी इंक्लूडेड इन यूनिकोड कैरेक्टर लिस्ट? तुलु इज़ अ लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ? तुलु इसे हाल ही में यूनिकोड कैरेक्टर लिस्ट में इंक्लूड किया गया, वो कहाँ की लैंग्वेज? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटका। लैंग्वेज स्क्रिप्ट कर्नाटका से डिज़ाइन की गई थी, और एक ही सिंबल माना गया है तुलु कल्चर का, जिसने बहुत से साल कर्नाटका में रूल किया। तो अब क्वेश्चन में है कर्नाटका, तो जान लेते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट्स। ये है इंडिया का मैप, और ये है कर्नाटका। इसकी कैपिटल है बेंगलोर, इसके CM है YS येदियुरप्पा, और इसके गवर्नर है थवरचंद गहलोत। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, उर्मिल कुमार थपलियाल पास्ड अवे, हु वॉज ही? हाल ही में उर्मिल कुमार थपलियाल की डेथ हो गई, वो कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, थिएटर आर्टिस्ट। वो एक थिएटर आर्टिस्ट थे, साथ ही वो एक सटायरिस्ट, पोइट, राइटर और ऑथर भी थे। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेंथ, विच न्यू फ्लू इज रिकॉर्डेड बाय इंडिया? इंडिया में कौन सा नया फ्लू रिकॉर्ड किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बर्ड फ्लू। एवियन इन्फ्लुएंजा जो बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है, वो बर्ड्स से ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकता है। इसका एक केस देखा गया है एम्स के 12 साल के एक लड़के में, जिसकी डेथ हो गई। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।